आज हम आपको बताने वाले हैं कि कॉपीराइट लॉ क्या होता है और कैसे आप प्रोटेक्ट रह सकते हैं इस लॉ से, कॉपीराइट स्ट्राइक जिससे, और क्या क्या कॉपीराइट स्ट्राइक के अंदर आता है। कॉपीराइट इज अ ऑटोमेटिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सो व्हाट डज कॉपीराइट लॉ प्रोटेक्ट? इट्स अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आप जैसे ही कोई कुछ बनाते हैं, सो यू डोंट नीड टू अप्लाई अ प्रोटेक्शन फॉर योर क्रिएटिव वर्क। जैसे ही आप कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं, तो वो कॉपीराइट लॉ के प्रोटेक्शन के अंदर आ सकता है। आपकी चीजों को कोई दूसरा नहीं यूज कर सकता। एज सून एज यू क्रिएट समथिंग सच एज कंपनी लोगो और टेक अ फोटो, और यू आर ऑटोमेटिकली असाइन अ कॉपीराइट। जैसे ही आप कोई चीज बनाते हैं, तो वो कॉपीराइट के अंदर आ जाता है। कॉपीराइट कैन अप्लाई टू अ होल रेंज ऑफ ओरिजिनल वर्क इंक्लूडिंग, अब आपका सारे ओरिजिनल वर्क जो होता है वो कॉपीराइट के अंदर आता है। जैसे लिटरेरी वर्क में दिस कवर बुक्स, न्यूज़लेटर, आर्टिकल्स, सॉन्ग लिरिक्स, मैनुस्क्रिप्ट्स, मैनुअल्स, लीफलेट, वेब कंटेंट, कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड वीडियो गेम्स। इतनी चीजें आपके लिटरेरी वर्क में आती है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए जिससे कि कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। कवर बुक, न्यूज़लेटर, आर्टिकल, सॉन्ग लिरिक्स, मैनुस्क्रिप्ट, मैनुअल्स, लीफलेट, वेब कंटेंट एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड वीडियो गेम्स। दूसरा है आर्टिस्टिक वर्क, दिस कवर पेंटिंग, स्कल्पचर, फोटोग्राफ, म्यूजिक एंड सॉन्ग। तो लोग कहते हैं वहाँ की क्लिप यूज कर लो, यहाँ की क्लिप को यूज कर लो, कुछ नहीं, कुछ सेकंड तक आप यूज करते हैं तब तो ठीक है, न तो उस पर स्ट्राइक आनी ही आनी है। परफॉर्मेंस वर्क, दिस कवर प्लेज, डांस, फिल्म, टेलीविजन, वीडियो फुटेज, साउंड रिकॉर्डिंग एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट। अब परफॉर्मेंस वर्क में इतनी चीजें आती हैं। कवर क्या करती है? डांस, फिल्म, टेलीविजन, वीडियो फुटेज, साउंड रिकॉर्डिंग्स एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट। और फिर आया पब्लिकेशन, दिस कवर्स मैगजीन एंड पीरियोडिकल्स और बुक्स, डिफरेंट टाइप का बुक्स भी इसके अंदर आ जाएंगी जो पब्लिश होती हैं। यू आर ग्रांटेड बोथ मॉरल एंड इकोनॉमिक राइट एज अ कॉपीराइट ओनर। और जैसे ही आप कोई चीज़ बनाते हैं, तो आपको कॉपीराइट ओनर बन जाते हैं, और आपको दो तरह के कॉपीराइट ओनरशिप मिलती है। पहली है मॉरल राइट, include the right to be identified as a creator or author of the work and also to object to edit or distortion of the work. तो आप जैसे ही आप कोई चीज बनाते हैं, तो आपको morally right मिल जाता है, आप उसके author रहते हैं, आप उसके creator रहते हैं। दूसरा है economical rights, give control over how the work can be copied, distributed, rented, adopted or broadcast. इकोनॉमिक राइट्स कंट्रोल आपको देता है कि आप कैसे उसको कॉपी करिए, उस कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, कैसे उसको रेंटेड करिए और अडेप्टेड और ब्रॉडकास्ट या ब्रॉडकास्ट करिए। तो इतनी चीज़ें आपकी कॉपीराइट के अंदर आती है, और प्लीज़ इसको यूज़ मत करिए, अदरवाइज कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। सो दूसरों की चीज़ें ना यूज़ करके बी ओरिजिनल एंड अवॉइड द others material. So thank you viewer, if you like this information help you, please follow channel Ratan Agarwal IT Informer, follow my all social media links given in the description, follow community tab, run video comment there and click on polls, ask question if any, and if you want a promotion go to my community channel and click there. I have made a poll and comment there. Don't only like it, comment there what you want. So thank you viewers. If you like it, please share and subscribe.